Hello everyone. Hope you all are fine. Today in this video, we are going to learn one more famous painting of Bengal School of Art that is Meghdoot. Okay. So let's we start. Painting name is Meghdoot. Artist is Ram Gopal Vijaywar School is Bengal. Medium is watercolor. Time period is 1961 to 66 AD. And the size is 10.5 into 14. And the courtesy is Lalit Kala Academy, New Delhi. यह पेंटिंग कालिदास द्वारा रचित लिरिकल पोय मेघदूत पर आधारित है मेघदूत एक यक्ष की कहानी है जो हिमालय की ब्यूटीफुल सिटी अलका में रहता है अपने ड्यूटी को निगलेक्ट करने के लिए उसे उसके गुरु मीन्स राजा कुबेर ने एक वर्ष के लिए वनवास दे दिया था यह पोयम इस वनवास के आठ महीने बाद की है जब यक्ष अपनी बिलव्ड के लिए तरसता है बिलव्ड मीन्स उसकी वाइफ तब वह गुजरते हुए बादल को अपना दूत बनाने के लिए मना लेता है और अपनी पत्नी जो उसके इंतजार में है उसको वापसी का संदेश देता है डिस्क्रिप्शन राम गोपाल एक राइटर पोइट और एक आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं। मेघदूत दूत इनके फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है जिसको इन्होंने अलग अलग तीन सीरीज में चित्रित किया है मींस पेंट किया है जिनमें से हर सीरीज में कम से कम सिक्सटी टू सेवेंटी पेंटिंग देखने को मिलती है लिटरेरी क्लासिकल उनके लिए प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत है जिसके परिणाम स्वरूप साहित्य पर आधारित पेंटिंग का निर्माण हुआ इसमें जो इनके करेक्टर थे उसमें उन्होंने काल्पनिक जीवन नेचर और वाटरफॉल इन सबको काल्पनिक तरीके से ही बनाया उनके करेक्टर में सॉफ्ट फीचर देखने को मिलते हैं जैसे कर्विंग बॉडी सॉफ्टली स्माइलिंग माउथ हाफ क्लोज डो लाइक आइज देन शेपली आर्म्स एंड लॉन्ग टेम्परिंग मतलब पतली फिंगर्स देखने को मिलती है यहाँ हैंडसम यक्ष को एक जंगल में चट्टान पर बैठे हुए दिखाया है जो अपनी फीलिंग्स यानी जो उसकी भावनाएं हैं उसको लिख रहा है इसके फीचर्स को यूथफुल सॉफ्टनेस के साथ अच्छे से बनाया गया है ये राइट हैंड से लीफ पर लिख रहा है और अपने लेफ्ट हैंड में फ्लावर पकड़े हुए हैं मैसेज लिखते समय अपने बिलव्ड और अपने घर के लिए तरसते हुए उसकी आंखों में आंसू के साथ जो उसके एक्सप्रेशन है वो सोबर है मतलब उदास है इन्होंने पीले रंग की धोती पहनी हुई है और बाएं कंधे पर एक लंबा स्टोर लटका हुआ है उन्होंने हार भी पहना हुआ है मीन्स नेकलेस वियर किया हुआ है इनके जो हेयर हैं वो ऊपर की ओर घुगुराले हैं बैकग्राउंड में एक थेस्ट मीन्स घास फूस की झोपड़ी है और हरे और पीले रंग में घने जंगल के पेड़ हैं। इसमें हट ट्री और रोकी मीन जो चट्टानी इलाके हैं उनको लाइट और डार्क ब्राउन कलर के साथ बनाया गया है यक्ष की इस कॉम्पोजिशन में क्लाउड वेव्स की तरह आगे और पीछे की ओर घूम रहे हैं वे तारों से जगमगाते डार्क स्काई में स्काई ब्लू कलर से रंगे हुए हैं इस कॉम्पोजिशन के बीच में कुछ बर्ड को उड़ते हुए दिखाया गया है इसमें नेचर को यक्ष का बिलव तक पहुंचने की जो तड़प है उसमें हिस्सा लेते हुए दिखाया गया है कलर्स सॉफ्ट और लाइट हैं जो इस पेंटिंग में एक ग्लो दे रहे हैं इसमें लाइंस शार्प हैं ब्राउन कलर की टोनल वेरिएशन के साथ स्टोरी भी टेक्निक uh, की तरह ही इम्पोर्टेंट है इन्होंने मॉडर्निज्म में भी लिटरेरी वर्क को ही प्रेफरेंस दी अपने सब्जेक्ट के रूप में ये थी हमारी फेमस पेंटिंग मेघधूत okay in next video we are going to learn about modern trend so till then goodbye everyone see you in next video